तो चलिए मैं दिखाता हूं सबसे पहले मेरा आज का सेल्स कितना हुआ है। तो ये आप देख पा रहे होंगे अराउंड 32,000 का, तो ये करीब आपका 35-37 तक पहुंच जाएगा, और करीब आपका 6.24 लैक्स का अभी तक 30 डेज का चल रहा है, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट ये 7 लैक्स क्रॉस कर देगा इस मंथ। और मेरा एक प्रोडक्ट अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है, वो करीब आपका और 2-3 दिन लगेगा स्टॉक में आने के लिए। डिफरेंस बिटवीन ब्रांड नेम, Amazon स्टोर नेम एंड योर बिजनेस नेम। तो सबसे पहले आप लोग बात करते हैं बिजनेस नेम का या फिर लीगल नेम का। तो ये नेम आपको मिलता है जब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब तब आप जो नाम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, जो नेम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, वो बेसिकली आपका लीगल नेम रहता है जिसके ऊपर आपको जीएसटी नंबर मिलता है, और वहां पे जो ट्रेड नेम की जगह पे लिखा रहता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे कुछ भी नेम रह सकता है, एंटरप्राइजेस, ट्रेडर्स, ऐसा कुछ जैसे मॉडिस एंटरप्राइज या फिर हार्मनी एंटरप्राइजेस, ऐसा कुछ भी आप रख सकते हैं। और ये जो नेम रहता है ये सिर्फ आपका जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है, जीएसटी नंबर है, वो कोई अगर सर्च करता है तभी शो करता है, या फिर आपका कोई भी अमेज़न कस्टमर जो आपका लिस्टिंग में विजिट कर रहा है वो ये नहीं देख पाएगा। या आपका ये नेम कितना भी बुरा हो तो इसके लिए आपको कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नेम को कोई भी नहीं देख पाएगा, इवन योर अमेज़न कस्टमर वोंट बी गोइंग टू सी दिस पर्टिकुलर लीगल नेम। और उसके बाद जैसे ही आप अमेज़न में अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं तो अमेज़न आपसे स्टोर नेम मांगेगा, ये बेसिकली आपको वहां पे देना पड़ेगा। तो ये नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, ये स्टोर नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, ये पूरा सेपरेट रहेगा आपका बिजनेस नेम से, और आपका बिजनेस नेम पूरा अलग रहेगा, आपका स्टोर नेम पूरा अलग रहेगा। और मेरा केस में क्या है, मेरा जो ब्रांड नेम है वही मेरा स्टोर नेम है, क्योंकि मैं सिर्फ वो सेम ब्रांड का प्रोडक्ट ही सेल करता हूं। और ब्रांड नेम बेसिकली वो होता है जो आप अपने प्रोडक्ट्स को बुलाते हैं, जिसका आप ट्रेडमार्क कराते हैं, और आप अपना ब्रांड का अलग एक नाम देते हैं, वो होता है आपका ब्रांड नेम, जहाँ पे आपका अलग अलग प्रोडक्ट्स रहता है, प्रोडक्ट कैटेगरीज रहता है, वो पर्टिकुलर कैटेगरी को आप नाम देते हैं, उसका बाद में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो होता है आपका ब्रांड। लेकिन अगर आपका मल्टीपल ब्रांड्स एक ही अमेज़न सेलर अकाउंट में रन हो रहा है, एक ही स्टोर में सेल हो रहा है, तब जैसे एज फॉर एग्जांपल सोचिए आपका किचन टूल सेल हो रहा है, उसके साथ साथ आपका होम डेकोरेशन प्रोडक्ट्स भी सेल हो रहा है, तब आप वो अलग अलग डिफरेंट ब्रांड्स में है, जैसे आपका किचन टूल्स अलग ब्रांड में है, ब्रांड नेम अलग है उसका, और आपका होम एंड डेकोर का ब्रांड नेम अलग है, तो ये दो ब्रांड नेम एक ही स्टोर में सेल हो रहा है, तब आपका स्टोर नेम तो आप अलग रखना होगा, क्योंकि वो दोनों में से कौन सा ब्रांड नेम आप स्टोर नेम में रखेंगे इसका आप कंफ्यूजन रहेगा, तब आप अलग से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे होम स्टोर या फिर ऐसा कुछ रख सकते हैं, जो एक बेसिकली जेनरिक नेम रहेगा, वो दोनों का कॉमन नेम ऐसा कुछ आप रख सकते हैं। एंड एक और चीज, जब आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं तो आपका जो ब्रांड नेम वहाँ पे बेसिकली आपका ब्रांड नेम अवेलेबिलिटी, मतलब जो नेम आप कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड, उसका अवेलेबिलिटी रहना चाहिए, मतलब रहेगा तभी वो नेम आपको मिलेगा। तो जब प्राइवेट लिमिटेड कराते हैं तब आप प्राइवेट लिमिटेड में वहाँ पे आपका नेम जो है, जो लीगल नेम रहता है, वहाँ पे आपका ब्रांड नेम दे सकते हैं। सोचिए आपका अगर कुछ भी है जैसे सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी फ्लिपकार्ट का है, तो फ्लिपकार्ट उसका ब्रांड नेम है, उसमें ट्रेडमार्क किया हुआ नेम है, लेकिन उसका जो लीगल नेम है वो है फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो इस तरीके से आप भी कर सकते। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू रियली लाइक एंड यू गॉट सम वैल्यू इन दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।